कानपुर के चकेरी में बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में जेल में बंद गैंगस्टर मोहम्मद आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। पुलिस ने अपराधी की 3 संपत्तियां चिन्हित की हैं। आलाकमान के निर्देश के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, बीती 20 जून 2020 को हिस्ट्री शीटर पिंटू सेंगर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए पप्पू स्मॉल्ट, सऊद अख्तर, महफूज अख्तर समेत 14 आरोपियों को जेल भेजा था। हत्याकांड के मास्टरमाइंड पप्पू स्मॉल्ट पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। कमिश्नरेट पुलिस में थाना स्तर पर और जिला स्तर पर भू माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना का कहना है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आलाकमान के निर्देश मिलते ही सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करीब 25 भू माफियाओं को पुलिस ने चिन्हित किया है। देखिए, इसमें पुरानी पूरी लिस्ट को, जितने भी जो भू माफिया थे उनको चिन्हित किया गया, और साथ ही साथ जो वर्तमान में जो ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है। और इसके अंदर करीब हमने 10 या 12 प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की हैं और उन पर पूरा पेपर वर्क करके उनके खिलाफ सक्सेसिव कार्रवाई की जाएगी। और टोटल अभी करीब 25 के आसपास हैं जो कमिश्नरेट के अंदर, जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, और आने वाले 15 से 30 दिन के अंदर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कार्रवाई की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टियों को सीज किया जाएगा।